हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए एक न्यू एंड अंदर वीडियो के साथ। तो यार लाइफ के कुछ ऐसी मसरूफियात हैं तो मैं परमानेंटली यार वीडियो नहीं पोस्ट कर पाता, मजा नहीं आ रहा है। आज जो है हमारे जमाल भाई ने कहा है कि यार जाना है अपनी चकवाल सिटी में, तो कुछ ज़रूरी काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नया आईफोन लिया है, तो दराज से उन्होंने अपना कवर ऑर्डर किया है, तो उनका जो है कवर गलत आ गया। अभी वो कह रहे हैं कि यार उधर दराज वाले दफ्तर में जाना है चकवाल में, तो वहाँ पर कवर उनको बैक करके आना है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल शाम का टाइम है, इतनी धूप भी नहीं है। दिन टाइम तो काफ़ी धूप थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो रामेना अब्दुलिया हेलो, एंड दिस इज माय सो ब्यूटीफुल होम। तो गाइस ये दराज से हमने आईफोन का कवर ऑर्डर किया है, ये अभी जो है हम इसे वापस करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारी ब्यूटीफुल चकवाल सिटी का एरिया शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारी चकवाल सिटी का जो मेन एरिया था वो है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स के बाद आगे आ जाता है दीवान फाइव, तो उससे पहले आती है मंडी, चकवाल की मंडी, वो भी बहुत मशहूर है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में विजिट करवाऊंगा। और उसके बाद आ जाता है जी 15 के एरिया, और 15 के बाद आता है जी हमारी चकवाल सिटी का मेन एरिया बॉन रोड, बॉन चौक। बॉन चौक के बाद आगे आ जाते हैं जी छप्पड़ बाजार, और छप्पड़ बाजार के बाद आगे आ जाते हैं जी तहसील रोड चकवाल। ये है जी चकवाल का शोदा पार्क, जहाँ पर देखे जी पाकिस्तान का फ्लैग ही उड़ गए। हाय हमारा पाकिस्तान, हाय जिंदाबाद पाकिस्तान, गजब बेइज्जती। उसके बाद ये है जी चकवाल का मोस्ट फेमस बाजार, छप्पड़ बाजार। गाइस फाइनली आई एम रीच इन चकवाल मोस्ट फेमस चौक, तहसील चौक। ये आप लोग देख सकते हैं द सो ब्यूटीफुल व्यू इन द इवनिंग। हाय खूबसूरत शेर आपकी नज़र करता हूँ कि अजीब तमाशा है इन मिट्टी से बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं, वफा करो तो लाते हैं। म्यूजिक के अलावा गई द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू इन चकवाल तहसील चौक। गई चकवाल के इस चौक इस रोड पर काफ़ी सारे मोबाइल शॉप्स बनी हुई हैं, कंप्यूटर शॉप्स बनी हुई हैं, तो अगर आप लोगों को मोबाइल या कंप्यूटर के मुतालिक कोई भी चीज़ आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग चकवाल का ये चौक विजिट करें, तहसील चौक। इधर जमाल भाई गए हैं जी दराज दफ्तर में कवर वापस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मुहर्रम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रश है इस रोड पर, काफ़ी सारे लोग इधर मजालस की भी शुरू हुई है, वो लोग सुनने जा रहे हैं। तो उसके अलावा गाइस ये चकवाल का बहुत ही मशहूर मोबाइल वाला प्लाजा है, तो मेरे मोबाइल का ग्लास पेपर टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इस प्लाजे में जाके अपने मोबाइल का ग्लास पेपर ही चेंज करवा लें। तो अभी हम लोग इधर आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस इधर जमाल भाई ने मुझे बताया कि मैंने कवर वापस करवा लिया, तो दराज वाले यार बड़े आरामी हैं, गलत चीज़ भेज देते हैं फिर बंदे को दोबारा जो है ना जलील करवाते हैं। तो बेहतर है कि बंदा ली एक्सप्रेस से बंदा शॉपिंग करे, बेहतरीन A1 ज़बरदस्त आप लोगों की चीज़ आएगी। तो उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हैं जी हमारे ब्यूटीफुल पाकिस्तान के रोड, जहाँ पर सिर्फ जलालत ही जलालत है। ये देखें ट्रैफिक बंद हुई हुई है, ठीक है, कच्चे रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और खुदा का वास्ता है यार पाकिस्तान को लूटना छोड़ दो यार, कुछ कोई यार पाकिस्तान में यकीन मानने के कसम से कोई पाकिस्तान में एक काम भी जो है ना सीधा नहीं है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ करके रख दिया इन लोगों ने, लूट के हर इंसान आता है लूट के यार चला जाता है। ये देखो यार ये गाड़ी का पेट्रोल नीचे से लीक हो रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।
ये आप लोग देखें कि कितनी बदतरीन यार यहाँ पर ट्रैफिक फंसी हुई है। खुदा न खास्ता यार अगर कोई एमरजेंसी बन जाए इस रोड पर तो क्या होगा आवाम का, उस बेचारे ने तो रास्ते पे ही दम तोड़ जाना है। यार लानत है ऐसी हुकूमत पर, ऐसे हुक्मरानों पर। खैर गाइस इसी के साथ वीडियो एंड होती है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।